इसे चूहा दिख गया क्या? हाँ, और एक नहीं चार चूहे एक साथ, लगता है पूरा परिवार फैमिली वेकेशन में निकला है। विकर नॉट भैया, मैं अभी उन चूहों को ढूंढ कर पकड़ कर उन्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ। तो भैया यहाँ चूहे क्या, यहाँ तो कॉकरोच भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लगता है भाग गए होंगे डरपोक कहीं के। विवान क्या हो रहा है? क्या ये क्या एक्शन था? चुप नहीं रहो, बोलो भी। अरे माँ, मैं बताता हूँ ना, विवान अपनी सुपर पावर्स को यूज करके मेरी मदद कर रहा था उन चूहों से बचने में। वो बालवीर है ना, और बालवीर का काम है लोगों की मदद करना। बोलो नहीं, सुनो, अब ये सब इमेजिनरी गेम्स खेलना छोड़ दो। हाँ। और तू क्या कर रहा है? हाँ? कहाँ है जूते? मिले जूते? अरे मैं वही तो ढूंढ रहा था, किधर गए? अरे जल्दी करना विवान। ये रहे। हाँ। जूते तो मिल गए। अब सिर्फ एक काम बाकी है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। क्या? मैं जिस हॉस्पिटल में लैंड हुआ था ना, मतलब कि मैं जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था ना, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स की फोटोज चाहिए। क्या? क्यों? मतलब ये कैसा प्रोजेक्ट है? अरे इतने साल बीत गए हैं अब उस बात को, वो नर्स और वो डॉक्टर वहां काम भी करते होंगे या नहीं पता नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगी फोटोज लेने की। तुम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। हाँ। अभी अभी खबर के अनुसार मुंबई पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़े टेररिस्ट कमांडर को हिरासत में ले लिया गया है और उसके पास से पुलिस को भारी मात्रा में आरडीएक्स और हथियार मिले हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि शहर के अंदर इतना आरडीएक्स क्यों लाया गया है, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये विश्वास दिलाया है कि कमांडर से जल्द ही सारी जानकारी निकाल ली जाएगी। इससे पहले कि कमांडर का नार्को टेस्ट एनालिसिस करा के पुलिस सारा सच जान ले, हमें अपने कमांडर को पुलिस के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। उस बस का क्या हाल है? मैं फोन करके मालूमात करता हूं। सोने की चिड़िया उड़ने को तैयार। ठीक है, वो बस अगले 5 मिनट में निकलने वाली है। बस का नंबर है MHQ 1232। फिर तो हमें भी तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि उस सोने की चिड़िया को अपने जाल में फंसाने के लिए वक्त बहुत कम है हमारे पास। देखो भैया, मैं आपको एक बात बताना चाहता था। बोलो ना विवान। ये है कि विवान, हाँ? तू अपनी वाटर बॉटल क्यों भूल जाता है हमेशा? मैं इसलिए भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्यारी मम्मी कभी नहीं भूलेंगी। थैंक यू, चलो बाय बाय बाय। देखो भैया, मैं ये कह रहा था। विवान, अपनी सनस्क्रीन ले जाना तो भूल गया। ओ हाँ, अच्छा हुआ मम्मी अपने याद दिला दिया। हाँ, वरना आज शाम तक तो मैं धूप के मारे पापड़ बन जाता। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। बाय बाय बाय। देबू भैया, मैं ये कह रहा था। विवान, अरे मच्छर से बचने के लिए स्प्रे तो लेके जा। रिलैक्स मम्मी, मैं कोई वॉर पर लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं हाइकिंग के लिए तो जा रहा हूँ। अरे लेकिन हाइकिंग तो जंगल में होगी ना, बहुत मच्छर होंगे वहाँ पर। मैं अभी लगा दूं तेरी स्प्रे? नहीं नहीं मम्मी, सारे स्टूडेंट्स मुझे चिढ़ाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये मुझे दीजिए, मैं बस में लगा लूंगा। थैंक यू।
मम्मी मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, याद कर लो, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना। नहीं। हाँ आप क्या है? एक चीज तो भूल जा रहा है। क्या? ये अपना ध्यान रखना। और हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, तो कोई बालवीर या शूरवीर नहीं है, समझा? समझ गया मम्मी, मैं केयरफुल रहूंगा, डोंट वरी। बाय बाय बाय। देखो भैया, मेरी नाम से एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो विवा। यही कि आप मम्मी के सामने ना थोड़ा ध्यान रखिए, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ही बालवीर हूँ तो वो तो मुझे घर में ही कैद करके रख देंगी। सॉरी विवान, वो क्या ना, माँ से सच छुपाने के चक्कर में जुबान फिसल जाती है और भांगड़ा डिस्को सब करने लगती है। लेकिन देखो भैया, आप ये क्यों सोचते हो कि हम मम्मी से सच छुपा रहे हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मम्मी को सच ना बताकर उन्हें सेफ रख रहा है? हाँ ये सही बोला तुमने, मैं अगली बार ये ट्राई जरूर करूँ। ठीक है अब मैं चलता हूँ, अब घर का ध्यान रखिए। पक्का, हाइकिंग एंजॉय करो। बाय बाय। बाय। के साथ साथ तुमने क्या छुपकर लोगों की बातें सुनने का भी शौक पाल रखा है? क्या सुना तुमने? जो सुना वो अनसुना नहीं कर सकती। ऐसा क्या सुना तुमने कि तुम अनसुना नहीं कर सकती? यही कि तुम दोनों बालवीर के बारे में बात कर रहे थे। वैसे भी अब मुझे सिर्फ नकाबपोश में इंटरेस्ट है, क्योंकि बालवीर तो रिटायरमेंट ले चुका है। अरे कैसी बात कर रहे हो अनन्या, सूरज भी कभी रिटायर होता है क्या? जो बालवीर रिटायर हो जाएगा, ऑन द अदर हैंड नकाबपोश सच है या अफवाह, हु नोस? अफवाह है या नहीं तब पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। प्लीज बोलोगे तभी आऊंगा। छोटा सा काम है, 1000 रुपए दूंगी, चलो मेरे साथ। ओ हेलो मैडम, प्यार से एक स्माइल दोगी और प्लीज बोलोगी ना तो मैं फ्री में कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, दोस्ती का भूखा हूँ। डब्बू देबू अनु, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो। अभी तो बस मेरी व्हीलचेयर को धक्का लगाना है, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक चलते रहो मेरे साथ। प्लीज देबू, दैट्स मोर लाइक इट, क्यों नहीं, चल। अरे जो भी बच्चा लेंच करे उसका हम क्यों वेट करे? ए, बोल ना। बोल बोल। जो भी बच्चा लेंच करे उसका हम क्यों वेट करे? जो भी बच्चा लेंच करे उसका हम क्यों वेट करे? इस चिंदू की वजह से कहीं विवान पीछे न रह जाए, तू कुछ बोल ना। हाँ हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे चलो आप बोलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। चलो तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि हम सब एक ही क्लास में हैं, और अगर हम एक दूसरे का वेट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ अंकल, बस एक मिनट और विवान आता ही होगा। हाँ। अरे अंकल ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, आप फटाफट बस स्टार्ट कीजिए। हाँ सही कह रहा तू, ड्राइवर चलो बस निकालो। अंकल अंकल देखो विवान आ गया। हाँ अंकल देखिए देखिए हुर्रा। अरे कहाँ है विवान? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहाँ अंकल, ये विवान के चमचे फालतू टाइम पास कर रहे हैं अंकल। अब चलो अंकल अब चलो। हाँ और टाइम इज मनी, अब फटाफट बस स्टार्ट कीजिए, और हमें टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे नहीं नहीं अंकल, बस 30 सेकंड और। माफ करना बेटा, एक बच्चे के लिए मैं पूरे क्लास वालों को लेट नहीं कर सकता, मुझे प्रिंसिपल साहब को जवाब देना है। चलो ड्राइवर बस निकालो। कोई बात नहीं,
मैं अपनी फुल स्पीड पावर यूज करके नेक्स्ट स्टॉप पे जाके बस में चढ़ जाऊंगा। अंकल 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 आप ठीक तो हो ना? आराम से। अंकल उठिए, आराम से। इतना छोटा बच्चा होकर तुमने बाइक कैसे उठा ली? अंकल मैंने आपसे पूछा क्या कि आप इतने बड़े होकर बाइक से गिर कैसे गए? नहीं ना, अब जरा देखिए कहीं आपको चोट वोट तो नहीं लगी? लगता है आपको चोट लगी है, अब तो आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मतलब मेरी हैकिंग कैंसिल? अरे ऑटो रुको, अब चलिए अंकल। इस बस में बहुत सारे बच्चे हैं, इनकी जान के बदले गवर्नमेंट को हमारे कमांडर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अनन्या और कितनी दूर जाना है? नहीं 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 नहीं, ये स्माइल देखकर मैं ऑलरेडी बहुत दूर आ गया हूँ। अब मुझे सच सच बताओ कहाँ तक जाना है? अरे एक बार इधर देखो तो। अब नहीं, अब बताओ कहाँ तक जाना है, फिर ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा वो सामने गाड़ी है ना, वहां तक जाना। वो गाड़ी? हाँ बस वहीं तक। पक्का? हाँ पक्का। ओके। अब चलो। अरे बस बस यहीं पे रोक दो। अरे अनन्या, अरे यार तुमने तो बच्चे की जान ही ले ली। अरे तुमने ही तो बोला था कि एक स्माइल और प्लीज के बदले तो मेरी हेल्प कर दोगे। नहीं 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 नहीं, अब बिल्कुल भी आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अब चलो यहाँ पे पहुँच गए, अब बताओ क्या करना है, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे ना हमें एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करनी है? मतलब सच में एक्टिंग करनी है? मतलब हम यहाँ पे कोई फिल्म टेलीविजन शो या फिर कोई एडवर्टीजमेंट शूट कर रहे हैं क्या? कहाँ है कैमरा, कहाँ? बोलो बोलो जल्दी बोलो। तुम समझ लो कि रियलिटी शो है। रियलिटी शो है मतलब डांस मूवमेंट डांस ऐसा कुछ क्या? या फिर द देवू कॉमेडी शो, या फिर जैसे स्वागत है आप सभी का देवू कॉमेडी शो। अरे वो अभी पता चल जाएगा। हाँ बोलो जल्दी बोलो। ये लो, ये पहन लो। रोने ये ओके, कॉस्ट्यूम भी लेकर आई हो, वेरी नाइस। अरे ये हाथ में कहाँ पहन रहे हो? ऊपर पहनो सर पे। हाँ अच्छा मंकी कैप है, मंकी कैप ओके। हाँ अब एक पकड़ो। ओके लाओ चश्मा दो। इसे थोड़ा ऊपर कर दो। इसे? हाँ ऊपर कर। अरे मुंह नहीं दिखेगा तो मेरी एक्टिंग कैसे दिखेगी? मुझे एक्टिंग दिखानी मेरी, अब ये पहनूंगा तो मैं विलन जैसा लगूंगा ना। हाँ अरे तो तुमसे किसने बोला कि तुम्हारे हीरो का रोल है? अब जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी है उसी के अकॉर्डिंग तो तुम्हें रोल मिलेगा ना। पर मुझे तो हीरो का रोल करना था। चलो ऊपर कर लो। अब चलो तुम इतना रिक्वेस्ट कर लिया तो मैं कर ही लेता, ठीक है? अच्छा अब बताओ अब क्या करना है? रुको ये लो। ए, क्या कर रही हो नानी? पब्लिक प्लेस है यार, ऐसा थोड़ी करता है। अरे ये असली चाकू नहीं है, डर क्यों रहे हो? ये देखो। अरे ये तो, अरे वाह, इसके साथ क्या करना है तो? स्वॉर्ड फाइटिंग क्या करना है बोलो। अरे सुनो मैं तुम्हें पूरा सीन समझा देती हूँ। बोलो जल्दी बोलो। तुम्हें इसके साथ मुझे किडनैप करना है। किडनैप करना है? अरे मैं अकेला कैसे तुम्हें किडनैप करूंगा, कैसे उठाऊंगा तुम्हें? अरे पूरा सीन तो सुन लो पहले। बोलो जल्दी। तुम्हें मुझे किडनैप करना है, तुम्हारा नाम होगा हल्का ठटेला और तुम अपनी गैंग मेंबर्स के साथ मेरा किडनैप करोगे। ओके 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 समझ गया, मतलब मेरा नाम हल्का ठटेला। ए चलो किडनैप करना। अरे अरे बरानिया, अरे लेकिन मेरी गैंग का है, मैं अकेला क्या? तुमने बोला गैंग है लेकिन मेरे आजू बाजू तो कोई नहीं है। अरे रुको मैं बुला रही हूँ।
वाह, मतलब ये तुमने बुलाया, मेरी गैंग के आदमी है। इधर आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे, एक लेफ्ट में एक राइट में। चलो रिहर्सल करते, आधे लेफ्ट जाओ, आधे राइट जाओ, आधे मेरे पीछे आओ। एक लड़की को किडनैप, अरे अरे सच में नहीं जाना यार, यहाँ। अरे अनन्या कैसे एक्टर्स ले हो तुम, तुम्हें मुझे मुझे, मुझे मेरे जैसे एक्टर्स चाहिए यार, ऐसा कैसे चलेगा। अरे सुनो तो मेरी बात, जब मैं एक्शन 1 2 3 बोलूँ ना तो तुम लोग आ जाना, अभी जाके छुप जाओ, जाओ। ओके देख, रुको, मैडम एक्शन बोले या ना बोले मैं बॉस हूँ तुम्हारा, मैं जैसा बोलूंगा तभी आना, ठीक है जाओ। हाँ चले गए, वी आर रेडी। ओके लेकिन अरे कैमरा तो कहीं नहीं दिख रहा, हम फेसिंग किधर देख, किधर से किडनैप करेंगे। कितनी बार बोलूं, रियलिटी शो है, हिडन कैमराज है ताकि हमारी एक्टिंग नेचुरल लगे। अच्छा ठीक है, रेडी हम लोग रेडी है। तुम भी तो जाओ छुपने। रेडी, मैं छुप गया। अरे यहाँ नहीं, कहीं और जाके छुपो। ओके सही कह रही हो, कहाँ छुप इसके पीछे छुप जाओ, कहीं पे भी छुप जाओ, बस जाओ। रेडी। पिछली बार भी मुझे चोरों से बचाने तुम ही आए थे नकाबपोश, तो इस बार भी तुम ही आओगे। मुझे मालूम है अनन्या कि तुम नकाबपोश को बुलाने के लिए अपनी ये लो बजट पिक्चर बना रही हो, लेकिन एक गलती कर दी तुमने, अपने हीरो को ही अपनी पिक्चर का विलन बना दिया, इसलिए तुम्हारी ये पिक्चर कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। Okay. 1 2 3 action. इसके एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो खुद ब खुद यहां से 5-10 मिनट में चली जाएगी। वैसे भी आजकल की जनरेशन का अटेंशन स्पैन 2 मिनट से ज्यादा नहीं होता। अरे एक्शन का मतलब तो स्टार्ट करना होता है ना, कहाँ रह गए हैं ये लोग। अरे दिखता नहीं है क्या, देख के नहीं चला सकते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.